हेलो दोस्तों, आज हम आपको साउथ के फेमस डायरेक्टर सुकुमार सर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर के बारे में बताएंगे। सुकुमार सर ने 2004 में आई मूवी आर्या से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन, अनु मेहता और शिव बालाजी शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 18 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2007 में सुकुमार की मूवी आई जगादम। इस मूवी के लीड कास्ट में राम, प्रकाश राज, ईशा सहनी और प्रदीप रावत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 2009 में सुकुमार की मूवी आई आर्या 2। इस मूवी के लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन, काजल अग्रवाल, मुकेश ऋषि, नवदीप और ब्रह्मानंदन शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 करोड़ रहा। भारत में कमाई 25 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2011 में सुकुमार की मूवी आई 100% लव। इस मूवी के लीड कास्ट में नागा चैतन्य, अक्की नैनी, तमन्ना भाटिया और नरेश बेजा कृष्णा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2014 में सुकुमार की मूवी आई बन नैनु कडैन। इस मूवी के लीड कास्ट में महेश बाबू, कीर्ति सेनन, अनु हसन, आनंद और नसर शामिल थे। इस मूवी का बजट 70 करोड़ रहा। भारत में कमाई 44 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 79 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2015 में डायरेक्टर पाल नती सूर्य प्रताप की मूवी आई कुमारी 21F। इस मूवी के राइटर थे सुकुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में राज तरुण, नवीन नैनी और सत्या कृष्णा शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 करोड़ रहा। भारत में कमाई 18 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 38 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2016 में सुकुमार की मूवी आई नाना को प्रेम थू। इस मूवी के लीड कास्ट में जूनियर NTR, जगपति बाबू, राजेंद्र प्रसाद और रकुल प्रीत सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 करोड़ रहा। भारत में कमाई 69 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 87 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2017 में डायरेक्टर जक्का हरिप्रसाद की मूवी आई दर्शा कुंडू। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुकुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में ईशा रब्बा, अशोक, नवीन नैनी और केदार शंकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 2018 में सुकुमार की मूवी आई रंगास्थलम। इस मूवी के लीड कास्ट में चरणजीवी, समानता, अनुषा भारद्वाज, जगपति बाबू, पूजा हेगड़े और प्रकाश राज शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 करोड़ रहा। भारत में कमाई 105 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 230 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2019 में डायरेक्टर MM चंद्रमौली की मूवी आई 100% कथल। इस मूवी के स्टोरी राइटर थे सुकुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रकाश कुमार, शालिनी पांडे, नसर और रेखा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपरहिट रही। 2021 में डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना की मूवी आई उपन्ना। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सुकुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में कीर्ति सेट्टी, विजय सेतुपति और नवीना रेड्डी शामिल थे। इस मूवी का बजट 22 करोड़ रहा। भारत में कमाई 70 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 84 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल सुकुमार की मूवी आई पुष्पा द राइस पार्ट 1। इस मूवी के लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाकिनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 180 करोड़ रहा। भारत में कमाई 228 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 319 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2022 में डायरेक्टर पाल नती सूर्य प्रताप की मूवी आई 18 पेज। इस मूवी के राइटर थे सुकुमार। इस मूवी के लीड कास्ट में निखिल सिद्धार्थ और अनुपमा शामिल थे। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2024 में सुकुमार की आने वाली मूवी पुष्पा 2 मूवी है। इस मूवी के लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाकिनी, विजय सेतुपति शामिल हैं। दोस्तों, आपको सुकुमार सर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।